दोस्तों आज मेरा बाबू बर्थडे के दिन रो रहा है। क्यों रो रहा है दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए ये जो बंदूक था इसका टूट गया, उसी को लेके रो रहा है कभी से। हैप्पी बर्थडे टू यू लाला मसोना मा बाबू। पहले कैसे रो पता, ऐसे रो पहले नहीं, पहले ऐसे रो नहीं, कुछ दिन के पहले ऐसे रो, ऐसे कर दोस्तों मेरा बाबू रे निकल गए। चल बू यार नीचे चला यार, गुड़िया नीचे चला यार। हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, हम गुड़िया गोरखपुरी और आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज बहुत ही खुशी की बात है, अभी भी खाना नहीं बना है, तबीयत खराब था दो तीन दिनों से, तबीयत ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही खराब हो गया। अभी भी मतलब पता नहीं क्यों मेरा पेट सीने से लेके पेट तक इतना ज़्यादा दर्द है, फिर भी मैं किसी तरह काम कर रही हूँ और काम के साथ साथ वीडियो भी बना रही हूँ। तो बहुत दिनों से चैनल डाउन पड़ रहा था, इसलिए सुबह में नहा धो के पूजा वूजा किए हैं, चाय बनाया, घर के सारे लोग चाय पिए हैं, खाना नहीं बनाए थे। उसके बाद बारिश आ गया तो सोचे कि चलो आज थोड़ा बारिश में भीग के वीडियो बनाते हैं, हो सकता है कुछ वीडियो वायरल हो जाए। आज मेरा बर्थडे है तो दोस्तों उसी खुशी में आज हमारे सबसे प्यारे बेटे का बर्थडे है, जो कि हमारा एक बेटा है और एक बेटी है। तो बेटी का तो बर्थडे बीत गया, अब इस बार मेरे बेटे का बर्थडे, क्योंकि ये कहीं एक मतलब एक महीने का बस लगभग दूरी होता है, जून में उसका, जुलाई में इसका, लास्ट जुलाई को इसका, 24 जून को उसका पड़ता है। तो दोस्तों आज मेरे बाबू का बर्थडे है, तो आप लोग मेरे बाबू के लिए बहुत प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एक आध लोग गीत भी सुना दीजिएगा। एक दोस्तों गीत की कोई वो नहीं है, बस आप लोग प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और भगवान से दुआ कीजिएगा कि हमारे बच्चे मतलब जैसे भी हैं सही सलामत रहें, हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, पढ़े लिखे और आगे बढ़े। और बोलो तुम बोलो क्या बोलो, क्या बोलोगे बोलो, आज मेरा बर्थडे है और क्या है। अरे सही से बोलो, आज मेरा बर्थडे है और मम्मी गिफ्ट देगी हमको। हाँ दोस्तों क्या, एक शायरी सुनाओ, चलो कोई भी शायरी सुनाओ, बहुत सारी तुमको आता है। अरे कौन सा होता, अरे कोई जोक सुनाओ जैसे नहीं बोलते हो, कान के सीखा के बोलते, बोलो बंद कर। तो दोस्तों यहाँ पे शॉर्ट वीडियो बन चुका है, कुछ ही बनाया, ज़्यादा भी नहीं बनाया, क्योंकि आज हिमांशु का बर्थडे भी है और उसके लिए केक वगैरह लेने जाना है। और फिर एक बहुत बड़ी मुसीबत इस समय हमारे घर में, इतना मुसीबत पड़ रहा है कि आप लोगों को क्या बताएं। हमारा जो छोटा वाला बाबू है अपने ननिहाल में है, उसका तबीयत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हालत में है समझ लीजिए, और 10 दिनों से उसको बुखार है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब था। एक हफ्ते से मैं भी मतलब उसकी मम्मी के पास कॉल नहीं की थी, मुझे भी नहीं पता था। और उसके बाद पापा कल कॉल करके बताएं कि बाबू का तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस है, बुखार है, जो कि उसको बुखार नहीं छोड़ा है। तो हम अपने देवर को भेजे हैं लाने के लिए, वो लेके आएंगे तब उसको दवा के लिए, पहला नंबर तो उसको हम दवा के लिए लेके जाएंगे, उसके बाद आएंगे फिर हिमांशु के लिए कोई केक वगैरह खरीद के लेके आएंगे। उसके बाद कुछ छोटी मोटी पार्टी है, कुछ ज़्यादा बड़ी पार्टी नहीं है, क्योंकि इस समय व्यवस्था भी दोस्तों, फिर थोड़ा बहुत तबीयत डाउन चल रहा है, जो कि पेट में इतना दर्द है कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे, किसी तरह खाना बना ले रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, नहा ले रहे हैं, अपने पैरों पे किसी तरह चल ले रहे हैं, वही बहुत बड़ी बात है समझ लीजिए हमारे लिए इस समय। तो अभी खाना भी नहीं बना है, अब जा रहे हैं, अभी खाना बनेगा, जा रहे हैं रोटी सब्जी बनाएंगे। बाबू भी अभी गए नहीं हैं क्योंकि सुबह से बारिश होने लगा, सुबह सुबह जो तैयार हुए हैं चाय बना के दिए हैं पिए हैं तब तक बारिश आ गया। दोस्तों भीगे हुए हैं, तबीयत भी तो गारंटी है, वैसे तो अभी पेट ही दर्द कर रहा था, लेकिन बुखार भी आने का चांस है, पूरा बुखार आने का चांस है। तो देखते हैं, क्योंकि बुखार भी हमको उतना दिन तक छू नहीं पाएगा, क्योंकि हम बहुत ही चल रहे हैं दोस्तों बाहर हमारा कोई। तो दोस्तों बाय बाय, लव यू। आज एकदम भीग गए थे, खूब मज़ा आया बारिश में भीग के, लेकिन बारिश का मज़ा जो होता है ना कुछ अलग ही होता है, रोज़ नहाने से उतना मज़ा नहीं आता जितना कि बारिश में भीग के आता। बहुत मजा बहुत मजा लेकिन दोस्तों मार रहे हैं हमको, तबीयत खराब तो आवाज़ भी देख रहे हैं चेंज हो गया है मेरा। तो दोस्तों बाय बाय।